फोन पे, फोन पे ना सर? हाँ जी, ब्लू कलर का जो फोन पे है उसको आप एन कीजिए। हाँ, ब्लू कलर का फोन पे ओपन हो गया सर जी। फोन तो ओपन करने के बाद देखिए सर, आपका ऊपर में सर आपको बेल आइकन घंटी का निशान दिख रहा है, चेक कीजिए सर। हाँ सर, घंटी का निशान दिख रहा है। हाँ जी, वो घंटी पे टच कीजिएगा तो उसमें आपको सर कैशबैक शो करेगा। देखिए पहले राशि आपका कितने रुपए का उसमें कैशबैक शो कर रहा है, चेक कीजिए। इसमें तो सर कैशबैक कोई नहीं दिखा रहा है सर। हमें बताना चाहते हैं सर, आप इसमें बैलेंस चेक कर पाएंगे? देखिए बैलेंस आपका चेक हो पा रहा है, चेक कीजिए। तो इसमें सिर्फ स्क्रैच कूपन है उसमें आपको सर मिला होगा सर। मैं बताना चाहते हैं सर, अभी एक मिनट लाइन पर ही मैं चेक कर रहे हैं सर। बैलेंस चेक कर रहे, बता रहे हैं एक मिनट। जी जी, देखिए सर नोटिफिकेशन पे टच कीजिए। देखिए नोटिफिकेशन में आपको मिला है 7000 कुछ रुपए मिला होगा, 7699। देखिए नोटिफिकेशन में मिला है। देखिए सर, थोड़ा बैलेंस चेक कर ले पहले सर। पहले नोटिफिकेशन पे टच कीजिए, नोटिफिकेशन में टच कीजिए। हाँ सर, 7000। हाँ जी, 7699 रुपए जी सर, है ना सर? जी सर। उसको नोटिफिकेशन से पे कीजिए, इसके बाद नेक्स्ट में आपका अकाउंट का नंबर और नाम दिखेगा, उसके बाद सेंड कर लेना अकाउंट में ये बैलेंस को। अच्छा सर जी, पहले पीएवाई से क्लिक कीजिए। देखिए पहले पीएवाई का ऑप्शन मिला है ना सर आपको? हाँ सर, पीएवाई का ऑप्शन मिल रहा है। हाँ, उस पर क्लिक कीजिए, उसके बाद आपका नेक्स्ट में अकाउंट का नंबर और अकाउंट का नाम दिखेगा, उसके बाद आप ये बैलेंस को सेंड कर लेना अकाउंट में अपना। अच्छा सर जी, जल्दी कीजिए सर। सर दिखा रहा है फैंटास्टिक स्पोर्ट माई 1158। हाँ जी, उसमें सर आप सेंड कीजिए अपना अकाउंट में, उसको सेंड कीजिए बैलेंस को सर। सर इस पे दिखा रहा है पे। हाँ जी, पी वाई पे क्लिक करते ही आपका नेक्स्ट में अकाउंट का नंबर और अकाउंट का नाम दिखेगा, वही अकाउंट में ये बैलेंस को सेंड कर लीजिएगा सर। अच्छा सर, पहले पी वाई पे क्लिक कीजिए, देखिए आपका नेक्स्ट में आ रहा सर अकाउंट नंबर। तो सर पे यानी पे करेंगे हम? हाँ जी, नोटिफिकेशन से पे होगा, उसके बाद आपका अकाउंट में ये बैलेंस को जमा किए जाएंगे सर। सर आपने 15000 बोला, सर ये 15000 काफी अमाउंट एक साथ में नहीं जा पाएगा, इसलिए कम कम करके आपको दे रहे हैं, इसको प्रोसेस कीजिए। अच्छा सर जी, प्रोसेस कीजिए, जैसे मैं बताया पे पे क्लिक करने के बाद सेंड कीजिए अपना अकाउंट में ये बैलेंस को। तो सर मेरे अकाउंट में 20000 रुपए फिलहाल में है। तो कोई दिक्कत नहीं होगा, आप इसको ये जो आपको 7699 रुपए जो आपको शो कर रहा है इसको पहले अकाउंट में जमा कीजिए सर। अच्छा सर, तो हमको मिल जाएगा 27000 हो जाएगा अमाउंट? जी जी, उसमें पी वाई पे पहले क्लिक कीजिए, उसके बाद देखिए नेक्स्ट में सेंड का ऑप्शन मिलेगा, अपने अकाउंट में सेंड कीजिए। अच्छा सर, जल्दी कीजिए, इसमें समय के अनुसार दिया जाता है सर, आपका ज्यादा समय नहीं बचा, जल्दी कीजिए। हाँ सर, तो सर ये दिखा रहा है कि अब मेरा अकाउंट नंबर नीचे शो हो रहा है। अभी वही अकाउंट में सेंड कीजिए, नीचे में एस सी एन डी का ऑप्शन मिला होगा ब्लू कलर में, देखिए सेंड कीजिए अकाउंट में। हाँ तो ये दिखा रहा है, लेकिन ये तो लिख रहा है डेबिट फ्रॉम पंजाब नेशनल बैंक। जी 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 जी, सेंड कीजिए अपना अकाउंट में, उसको सेंड कीजिए बैलेंस को। तो मेरे खाते से नहीं डेबिट होगा, ये दिखा रहा है? नहीं नहीं सर, ये सुनिए सर, आप जब तक सेंड नहीं करेंगे तब तक आपको उसमें सर डेबिट लिखाएगा, क्रेडिट लिखा जाएगा जब सेंड हो जाएगा उसके बाद, समझे सर? मतलब ये बता रहा है कि डेबिट होगा इस अकाउंट में? सुनिए, मेरे अकाउंट से जो डेबिट हो रहा है वही उसमें शो हो रहा है, जब तक आपका अकाउंट में सेंड नहीं होगा तब तक क्रेडिट आपको नहीं लिखा जाएगा, समझा? उसमें पहले सेंड कीजिए, उसके बाद आपको क्रेडिट उसमें लिखा जाएगा, सेंड कीजिए। सर पहले हमको 5 रुपए भेज के दिखाइए, उसके बाद हमें पहले देखिए, ये सबसे कम राशि दिया हूँ, इससे ज्यादा कम नहीं दिया जाएगा, पहले उसमें सेंड कीजिए और पासवर्ड आपको मांगा जाएगा, बैलेंस तुरंत चेक करने के लिए बोला जाएगा, अपना बैलेंस चेक कीजिएगा, आपका जमा राशि इसमें सर 7699 रुपए बता दिया जाएगा। सर पहले हमको 5 रुपए भेज के दिखाइए। सर मेरे बात आप नहीं सुन पा रहे हैं, उसमें देखिए आपको जो मैं आपको बता दे रहे हैं उस तरह का कीजिए, देखिए आपका बैलेंस अभी आपको ये पेमेंट मिलने के बाद आपको बैलेंस आपको चेक किया जाएंगे सर। तो सर इसको पे करते हैं, निकल रहे हैं? जी, सेंड कीजिए और पासवर्ड लगाकर बंद कीजिए, देखिए आपका जमा राशि बता दिया जाएगा, मैं लाइव पे हूँ। अच्छा सर, तो इसको किया सेंड? जी, पासवर्ड लगाकर बैलेंस चेक कीजिए सर। तो सेंड करने के बाद मेरा यूपीआई पिन मांग रहा है सर? हाँ जी, यूपीआई पिन इंटर कीजिए और राइट का निशान पे टच कीजिए, आपका जमा राशि बताएगा सर। अच्छा सर, तो ये तो मतलब भेजना है ना पैसा, भेज तो भेजने के लिए? सर पासवर्ड, सर
पासवर्ड इंटर कीजिए और डन का ऑप्शन पे क्लिक कीजिए सर। अच्छा सर जी जी तो सर यूपीआई पिन डाल दें। हाँ जी यूपीआई पिन डाल के और राइट कंफर्म पे क्लिक मारिए। तो सर मेरा पैसा नहीं कटेगा पहले 5 रुपए? नहीं बिल्कुल नहीं बिल्कुल नहीं बिल्कुल नहीं सर, आपका बैलेंस 1 रुपया भी नहीं इसमें कटा जाएगा, आपका जमा हो जाएगा सर, अभी तुरंत आपको जमा किए जाएंगे। आप फोन काट देंगे लगेगा नहीं फिर फोन? नहीं नहीं सर, आपका कॉल यहाँ से जब तक आपको पेमेंट नहीं पूरी दिए जाएंगे तब तक आपका कॉल समाप्त नहीं किए जाएंगे सर, आपका पेमेंट होने के बाद आपका कॉल समाप्त कर दिए जाएंगे, प्रोसेस कीजिए ना लाइन पे हो। अच्छा सर, तो सर पहले 5 रुपए भेज के नहीं दिखा सकते हैं? बिल्कुल नहीं सर, ये आपको सबसे कम राशि आपको इतने रुपए का दिया हूँ सर, इससे आपका ज्यादा कम नहीं जा सकता है सर, आप इसमें प्रोसेस कीजिए थोड़ा और कम कीजिए, कम से कम 5,000 की। सर मैं बता रहा हूँ आपको ये कम नहीं जाएगा, आपको इससे ज्यादा कम नहीं जा पाएगा सर, इसमें प्रोसेस कीजिए, मैं लाइन पे हूँ। सर देखिए अगर इससे कम थोड़ा हो जाए तो ठीक है। सर मेरे बात आप नहीं मान रहे हैं सर, आप इसमें देखिए प्रोसेस कीजिए, आपका देखिए हो जाएगा सर आपको। सर ये बताइए जी ये सब आपने कहाँ से सीखा है? सर ये आपको रिसीव करना या नहीं करना है या नो बताइए, आपका कॉल यहाँ से समाप्त कर दिए जाएंगे। फ्रॉड करना कहाँ से सीखा है आपने? क्यों गरीबों की जिंदगी को बर्बाद कर रहे हैं? आपको रिसीव चाहिए या नहीं चाहिए सो बताइए। सर मेरी बातों का पहले जवाब दीजिए ना, किसी का पैसा काट लेंगे, किसी के साथ फ्रॉड करेंगे, गलत बात है ना? अरे सर मेरे बात आप नहीं सुन पा रहे हैं, आपको ये कैशबैक सर रिसीव करना है या नहीं करना है? थोड़ी ना है, आप फ्रॉड कर रहे हैं, ऑनलाइन फ्रॉड कर रहे हैं, आपको अरे पता सर कौन सी हालत है? आप ना पहले बैलेंस चेक कीजिए, देखिए आपका बैलेंस हो रहा चेक कीजिए। अरे सर बैलेंस तो मैंने पहले ही चेक कर लिया। सर आप बोल रहे हैं कि आप ये सेंड करिए, सेंड करूंगा तो आपके खाते में पैसा कट जाएगा। जब आपको यहाँ से मैं आपको बैलेंस चेक दे रहे हैं नोटिफिकेशन में, सुनिए मेरे बात, आप जब यहाँ से मैं आपको बैलेंस दे रहे हैं नोटिफिकेशन में, नोटिफिकेशन से पे कीजिएगा तभी ना आपका अकाउंट में सेंड होगा सर। अरे सर सेंड कहाँ होगा, ये आपके अकाउंट में सेंड हो जाएगा? नहीं नहीं सर बिल्कुल, ये इस तरह का कंपनी की तरफ से रिकॉर्डिंग कॉन्फ्रेंस में कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। कंपनी कैशबैक के लिए कॉल नहीं करते सर? बिल्कुल कॉल किया जाता है, आपका जब QR कोड मिला था उस समय में आपका मेरे सीनियर आपका मेरे जूनियर अधिकारी आपका दूर से जाकर के शॉप में QR कोड ले लिया था, समझा सर? कह रहे हैं सर कंपनी कॉल नहीं करती है, कैशबैक अपने आप ही शुरू होता है मोबाइल में। अरे सर मेरे बात तक नहीं पा रहा, मैं यहाँ पे आपको क्या समझा सकता हूँ सर? सर आप बोल रहे हैं कॉल कर रहे हैं ठीक है, मैं बताना चाहता हूँ, मैं आपको पहले कम राशि करता हूँ, देखता हूँ सर आपका जमा होता कि नहीं, ओके आप ये कीजिएगा। हाँ ठीक है भेजिए तो जी, लास्ट अमाउंट आपको सर 1,000 का मिलेगा। हेलो हाँ बोलिए सर, लास्ट आपको अमाउंट 1,000 का मिलेगा, समझा? हेलो सर हाँ सर बोलिए सर, आपको यहाँ से मैं आपको सबसे कम राशि दे सकता हूँ 1,000 या सर 1,000 रुपये पहले जाएगा, समझा? जी जी 1,000 रुपये जब आपको मिल जाएगा तब आपको विश्वास हो जाएगा कि मेरे अकाउंट में जमा हो रहा है, समझा? अच्छा सर यहाँ 1,000 रुपये का। हाँ जी जी एक मिनट लाइन करिए, मैं आपको यहाँ से पेमेंट कर दे रहा हूँ सर, देखिए नोटिफिकेशन पे टच कीजिए, नोटिफिकेशन पे टच कीजिए, नोटिफिकेशन हाँ नोटिफिकेशन में देखिए 1,000 रुपये आपको दिखता होगा, देखिए 1,000 रुपया हाँ उसको सेंड कीजिए और पासवर्ड लगाकर बैलेंस चेक कीजिए, देखिए 1,000 रुपये आपका जमा होता कि नहीं चेक कीजिए। ये तो सर फिर पे करने के लिए दिखा रहा है। हाँ जी जी नोटिफिकेशन से जब तक ही पे नहीं होगा तो अकाउंट में ये सेंड नहीं होगा, समझा? मेरे बात आप नहीं समझ पा रहे सर, इसीलिए आपका कोई मन में ऐसे मैंने आपका होता होगा जिससे मैं आप सोचे होंगे कि बैलेंस मेरा यहाँ से दूसरे अकाउंट में जा रहा है, इस तरह का नहीं आप सोच रखना होगा सर। ये आपका पेमेंट आपको मिला इसी से कम राशि दिया हूँ, देखिए 1,000 रुपये मिला है ना सर, ये आप पे करने के लिए बोल रहे हो? हाँ जी जी हाँ जी, पहले आप PYP पे क्लिक कीजिए, देखिए आपका नेक्स्ट में अकाउंट का नंबर शो करेगा सर, चेक कीजिए। सर पे करेंगे तो दिखा रहा है कि डेबिट फ्रॉम योर मतलब मेरे अकाउंट से डेबिट फॉर्म लिखाएगा सर, मेरे यहाँ से डेबिट होगा सर, तो वहाँ से आपका डेबिट नहीं लिखाएगा सर, जब आपका अकाउंट में जमा नहीं होंगे तब तक क्रेडिट नहीं लिखा जाएगा सर। सर आपका मैसेज मिलेगा क्रेडिट का, तब आपको पता चलेगा कि मेरे अकाउंट में जमा हुआ है, समझा?
ये बताइए, जब डेबिट हो जाएगा मेरे खाते से तो कैसे मेरे अकाउंट में आ जाएगा? डेबिट नहीं सर, क्रेडिट जब हो जाएगा तब आपको मैसेज मिलेगा, क्रेडिट का आपका मोबाइल में मैसेज मिलेगा सर। हाँ सर जी, आपका मेरा बैलेंस कट गया 1000। नहीं नहीं सर, देखिए उसमें आप प्रोसेस कीजिए, पहले PMI पे क्लिक कीजिए, साइन कीजिए, पासवर्ड लगा कर डन कीजिए। देखिए सर, चूतिया ना बनाइए हमें, ठीक है? बिल्कुल नहीं सर, बिल्कुल नहीं सर, ये आपके लिए रिकॉर्डिंग कॉल किए सर, इसमें अगर आपका कोई दिक्कत होगी तो आप सर ये हमारे ये पर्सनल ID के नंबर से आप कंप्लेंट भी ID से कर सकते हैं। सीनियर से बात कराएंगे अपने? हाँ जी सर, मेरे सीनियर अधिकारी से बात कीजिए सर। हेलो हेलो, हाँ जी सर, क्या प्रॉब्लम हो रही है? कैशबैक आपको रिसीव करने में वो पे का ऑप्शन आ रहा है, इसलिए आप बता रहे हैं कि पे कर रहे हैं किसी को क्या? हाँ सर, क्या आप ऑनलाइन पे करवा रहे हैं तो ये आपके खाते में चला जाएगा ना? बिल्कुल नहीं सर, देखिए पे करने के बाद वहाँ पे आपका अकाउंट नंबर शो कर रहा है या हमारा कंपनी का अकाउंट नंबर शो कर रहा है, चेक कर लीजिए सर। पे करेंगे तो ये हमारे अकाउंट से कटेगा, डेबिट होगा, डेबिट फॉर्म वहाँ पे बता रहा है ना? तो डेबिट फॉर्म मेरे अकाउंट से बता रहा है। अरे सर, आपके अकाउंट से डेबिट फॉर्म नहीं बता रहा है, डेबिट फॉर्म जो हमारे अकाउंट से बता रहा है। डेबिट पे करने का मतलब हो गया सर, हमारे अकाउंट से डेबिट होगा और आपके अकाउंट में क्रेडिट होगा, चेक कीजिए। देखिए पे करने के बाद आपका अकाउंट नंबर शो कर रहा है ऊपर में वहाँ पे, और नीचे में आपका सेंड का ऑप्शन आ रहा है। तो ये बताइए, मतलब डेबिट आपके अकाउंट से बाद मेरा क्यों UPI पिन लगेगा, ये बताइए आप? बिल्कुल सर, UPI पिन वहाँ पे बैलेंस चेक करने के लिए आपका बता रहा है, UPI पिन डाल के डन कीजिए। देखिए आपका सक्सेसफुल हुआ और 1000 रुपया आपका ऐड हुआ, आप चेक भी कर लीजिए, बैलेंस भी चेक कर लीजिए प्रोसेस करके, मैं लाइन करूँ। तो UPI पिन डाल लूंगा तो बैलेंस बता देगा? UPI पिन डाल के डन कीजिएगा, वहाँ पे आपका ब्लू कलर में रिसीव का ऑप्शन आएंगे। UPI पिन डालने के बाद रिसीव का ऑप्शन पे आप क्लिक कीजिए और बैलेंस रिसीव कीजिए और बैलेंस चेक कर लीजिए। देखिए आपका 1000 रुपया अमाउंट एडिंग बताएंगे, चेक करके बताएं आपको, चेक कीजिए वहाँ पे सर कि मेरा पैसा कट जाए, आपके खाते में चला जाए। कैसे कट जाएगा सर, आपका पैसा कैसे कट जाएगा? कंपनी इतना पागल है जो कैशबैक दे रही है 15000, क्या मिलता है तुम्हें इससे बताओ सर? देखिए उसमें नोटिफिकेशन में आप प्रोसेस कंप्लीट किए थे आप सर? ऐसी बात कर रहे हैं आप, समझ नहीं रहे मेरे बातों को सर। नोटिफिकेशन पे दोबारा टच कीजिए नोटिफिकेशन पे टच कीजिए, आप हमको पहले 100 रुपए भेजिए, उसके बाद देखा जाएगा। 100 रुपए आपको यहाँ से भेज दिए जाएंगे सर? हाँ सर। सर ये 0 का मात्रा कम दिया जाएगा, ओके? हेलो सर। हाँ बोलिए बोलिए। देखिए 100 रुपए का मिला है, उसमें प्रोसेस कीजिए। देखिए कट हो रहा है ना? हाँ 100 रुपया का। हाँ जी, उसको प्रोसेस कीजिए। 100 रुपया भी आप ले लेंगे? बिल्कुल नहीं सर, आपसे यहाँ से पेमेंट नहीं लिए जाएंगे, आपको पेमेंट करने के लिए 100 रुपए दिए, चेक कीजिए 100 रुपए मिला है ना आपको? सर इतना आपको बात करते हुए हो गया 15 मिनट, और आप 15 मिनट में 100 रुपया सिर्फ कमाएंगे? 100 रुपए आपको दिए हैं, 100 रुपए चेक कीजिए आपका जमा हो रहा है।